हम भी जा रहे हैं रोजा रसूल पर सलाम पेश करने और अलविदा कहने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपके मानव सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग, डे 3 ऑफ मदीना। तो वैसे तो हम घर से निकले हुए हमें 3 दिन हो गए आज, लेकिन पहुँचे हुए हमें 2 दिन ही हुए। खैर, तो अब हम फजर की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। हवा काफ़ी चल रही है और इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि जिस्म को ना चीरती हुई जा रही है और ठंड बहुत है। तो नाश्ता करने आए हैं इसी होटल पर और अंदर जाते देखते हैं। आज हम सोच रहे थे पराठे खा रहे हैं, लेकिन ये तो पराठे वाले ऐसे तेल डालते हैं जैसे इनको ना ऑयल फ्री में मिलता है। तो ना बस उनको कहते हैं कि कम डालने लग रहे, कम डालें वरना तो बहुत हैवी हो जाता है। तो चले चलते हैं। अभी की अपडेट यही थी कि हम फजर पढ़ के आ गए और इधर लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाने शुरू कर दिए हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। हमने आलू वाला पराठा लिया और साथ चाय ली है और हमने उसको कहा है कि इसके ऊपर ऑयल ना लगाना है, जो ऑलरेडी ऑयल हो रहा है ना बस वही काफ़ी होगा। और वो उसने नहीं लगाया, फिर भी मतलब ठीक है, खाने वाला अब खाने वाला है, वरना तो ऑयल में नुचड़ना होता है तो वो बहुत फिर हैवी हो जाता है, तबीयत ही ख़राब होती है। इसे ऐसे ठीक है, गुजारा हो जाएगा हमारा। जो मैगी नमाज का टाइम हो रहा है और 11:30 तकरीबन हो चुके हैं, 12:15, तो 12:30 अजान होगी इंशाल्लाह। तो हम ये जा रहे हैं, ये वही है जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने अंडरग्राउंड बनाया है रोड के नीचे से। तो ये हमें जब से पता लगा है हम यही यूज़ करते हैं और इससे काफ़ी आसानी हो गई और ज़रा शॉर्टकट भी हो गया, वरना ऊपर से घूम के जाना पड़ता होता था सड़क क्रॉस करके, उधर से ट्रैफिक आ रही होती थी तो थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता था। तो ये लॉबी और एक साइड पर इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, गिफ्ट शॉप्स, और सामने भी इसी तरह एलिवेटर है और एस्केलेटर है, सॉरी एलिवेटर भी है व्हीलचेयर वालों के लिए, लिफ्ट भी लगी हुई है। तो ऊपर जाएंगे तो सामने ही मस्जिद।
जुमे की नमाज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह पढ़ ली है, और ये जुमे के बाद लोग वापस जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने और अलविदा कहने। तो दुआ यही है बस, दोबारा जल्द बुलावा आ जाए यहाँ पे, जो एक दफ़ा आ जाता है वो तो दिल करता है कि दोबारा यहाँ से जाए ही ना। ठीक है, इंसान में ना पहले भी बहुत तड़प होती है और बहुत ख्वाहिश होती है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ आने के बाद जो ख्वाहिश और तड़प भर जाती है ना, वो तो फिर कभी ख़त्म नहीं होती। तो बस यही तो आए कि दोबारा जल्द बुलावा आए, हमारा भी आपका भी, और अल्लाह ताला कबूल करे। रश काफ़ी हो गया अभी फ़िलहाल, माशाल्लाह रश था कि मस्जिद में तो कल सिर्फ फजर की नमाज मिली है अंदर, बाकी सारी नमाजें बाहर ही पड़ी हैं। पहले ही भर जाती है, अंदर जब बंद कर देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं। तो बस यही था मदीना का ब्लॉग। इंशाल्लाह हमने यहाँ से उमरा करना है मिकात से, यहाँ पे हमें भी यहाँ से उमरा करना है, यहाँ पे मिकात पे जाएंगे, वहाँ पे हराम वगैरह पहनेंगे, नियत करेंगे, नफल पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मक्का जाएंगे और उमरा करेंगे। वो उमरा व्लॉग अलग आएगा और मदीना व्लॉग यहीं तक हुई मतलब होगा। अभी हमने यहाँ से खाना खाने जाना है और फिर उसके बाद मिलते हैं। खाना खाने आया, मेरा कड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो उसी होटल से हमने कड़ी ली है। खाना हमने खा लिया, चाय पी लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम यहाँ से गाड़ी लेंगे और मिकात पे जाएंगे, वहाँ से राम बांधेंगे, मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया। तो यहीं पे होता है आज का व्लॉग ख़त्म। बहुत अच्छे दिन थे, उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो बस दुआएं मेरी यही है कि बस दोबारा जल्दी से बुलावा आ जाए, दोबारा हम आए यहाँ पर। और यहाँ पे आगे किसका जाने का दिल करता है, उदास बंदा होता है यहाँ से जाते हुए। तो बस अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाएं, व्लॉग को कहते हैं यहीं पे ख़त्म, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।